अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरे खान। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोरियन ब्राइस फेस मास्क शेयर करने लगी हूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप हुई हुई है इंस्टाग्राम पे और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इसको ट्राई कर रही हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ और आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ कि इसके क्या इफेक्ट होता है और आपकी स्किन कैसी होती है इसको लगा के। तो गाइस, आज मैं राइस फेस मास्क बनाऊँगी और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। बहुत थोड़े से इंग्रीडियंट जो हैं वो ऐड होते हैं इसके अंदर। तो गाइस, मैं अब आपके साथ वो बनाना शेयर करती हूँ। चलिए गाइस, बनाते हैं आज कोरियन राइस फेस मास्क, जो कि बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए पानी, पानी जो है वो आपको हाफ कप से भी हाफ जो है वो थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर आपने 2 जो है टीस्पून है आपने इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड कर देना है। इसको अच्छे से आपने विस्कर से या अपने चम्मच से, विस्कर से अगर आप हिलाएँगे तो ज़्यादा अच्छे से इसके लम्स नहीं बनेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो गाइज़, इस तरीके से इसकी प्यूरी बन जाएगी। तो थोड़ी देर बाद जो है वो सारा पानी ड्राई हो जाएगा और इस तरह से आपको एक पेस्ट सी मिल जाएगी और राइस जो है वो बिल्कुल फूल जाएगा, राइस फ्लोर। तो इस तरीके से जिस तरह फिरनी बनाते हैं ना, ऐसे लग रहा था मैं फिरनी बना रही हूँ, तो उस तरीके से आपने बनाना है। बस इसके अंदर चीनी नहीं डालनी। तो गाइस, ये देखिए हमारा फेस मास्क जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो है वो आपने इसको ठंडा करना है, उसको एक बर्तन में डाल देना है और इसके अंदर जो है वो आपने हनी ऐड करनी है। तो गाइस, हनी इसको आपने इसमें, हनी वो जो है कोरियन फेस मास्क जब बनाती हैं कोरिया की लड़कियां तो वो उसमें हनी ऐड करती हैं, तो मैंने भी हनी ऐड कर दी। वैसे आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखें बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था और मैं तो आधा घंटा इसके साथ खेलती रही, बहुत सेटिस्फाइंग था, ऐसे ऐसे ही हिला रही थी। तो गाइस, अब इसके अंदर हम हनी ऐड करते हैं और हनी ऐड करने के बाद इसको अप्लाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो गाइस, अपनी तरफ से मैंने इसको मोर हाइड्रेटिंग बनाने के लिए इसके अंदर एलोवेरा जेल भी ऐड कर दी, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ऐड ना करें। वैसे जो कोरियन फेस मास्क, राइस फेस मास्क बनता है उसमें सिर्फ हनी होती है और ये राइस फेस मास्क होता है उसमें ऐड। तो गाइस, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें, लेकिन ये ओरियोर की एलोवेरा जेल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। इसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल, इसकी प्राइस बताई हुई है। और योर की एलोवेरा जेल तो अमेजिंग है गाइस, आप ज़रूर ज़रूर खरीदें, मेरी तरफ से आपको जो है वो सजेस्टेड है, ये बहुत अमेजिंग है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने प्योर रॉ हनी इसके अंदर ऐड की है, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्टन अप करती है। एज़ यू ऑल नो कि हनी जो है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो गाइस, इसके अंदर हनी ऐड की है। तो गाइस, अब मैं इसको अपने हाथ पे आपको अप्लाई करके और अपने फेस पे भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, ये देखिए हमारा कोरियन जो फेस मास्क है, राइस फेस मास्क, वो रेडी है। कितनी जल्दी से बन जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी गर्ल है ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, बहुत आसानी से बन जाएगा और मतलब उतर भी बहुत आसानी से जाता है। तो गाइस, ये देखें इस तरह से आपने 10 मिनट के लिए हाथों पर और फेस पर लगा के इसको छोड़ देना है। और अब आपको मैं इसका ऑनेस्ट बताती हूँ कि क्या इसके फ़ायदे मिलते हैं आपको। सो नंबर वन थिंग विच आई एक्सपीरियंस्ड आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस मास्क इज दैट कि ये आपके ब्लेमिशेस को दूर करता है, अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली लगाते हो, यानी अगर आप मुसलसल लगाते हो। ब्लेमिशेस जो हैं वो जितनी ब्लेमिशेस जल्दी नहीं जाते, अगर आप एक ही बारी में लगा के कहोगे कि आपके ब्लेमिशेस चले जाएँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो आपको इसको कॉन्स्टेंटली लगाना पड़ेगा, तो ये आपके काफ़ी हद तक ब्लेमिशेस भी दूर करता है, आपके दाने दाग धब्बे भी दूर होते हैं इसके लगाने से, और तो और ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करता है। ये फेस मास्क जो मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया ना, वो यही है कि मुझे इसके मुंह धोते साथ ही ब्राइटन इफेक्ट्स मिलते हैं और बहुत ही आपकी स्किन जो है इससे सॉफ्ट हो जाती है, बेबी सॉफ्ट सप्पल स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा। एज यू कैन सी, जब आप लगा रहे होते हो तो आपको बहुत हाइड्रेटिंग फील हो रहा होता है, तो इसके वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसको मुसलसल अप्लाई करें।
अच्छा, टिकटॉक पे ना कभी कभार फजूल चीज़ों की भी हाइप हुई होती है, लेकिन जब आप ट्राई करते हो तो कुछ और ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये फेस मास्क जो है, मैं आपको 100% जो है वो गारंटी देती हूँ कि इसके लगाने से इंशाल्लाह आपकी स्किन, जिस तरह मैंने इफ़ेक्ट बताया ना, इंशाल्लाह आपको भी इफ़ेक्ट वैसा ही आएगा। तो इसकी हाइप ऐसे नहीं हुई हुई, बहुत ये समझदार होते हैं कोरिया के लोग, और इन्होंने ऐसे ही यूज़ नहीं करना शुरू कर दिया राइस फेस मास्क। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, बस आपने इसको छोड़ना नहीं, इसको आपने मुसलसल लगाना है। हफ्ते में अगर 2-3 बार भी आप इसको लगा लेते हो तो आपको आपका जो है वो पूरा हफ्ता, पूरा वीक जो है वो बहुत अच्छी स्किन के साथ गुजरेगा। मैं गारंटी से कहती हूँ, बहुत अच्छा फेस मास्क है, इसको ज़रूर अप्लाई करना। सो या गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।